अब्बू, मैं उस खंजर को लाने जा रहा हूँ और मैं मलिका को जीतने नहीं दूंगा। और उससे पहले आपने उसे रोका था, इस बार मैं उसे रोकूंगा। अलादीन, हम सब मिलकर उसे रोकेंगे। और अगर हमारे पीछे से मलिका को किसी को परेशान करने का दिल किया तो गुल्लू को आगे कर देना। चाची जान, देखिए ना इसे, अंगूठी छाप। अलादीन, तुम बहुत रईस हो। तुम जानते हो तुम्हारे पास इन सब की मोहब्बत है, और मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। दुनिया में जितनी खुशियां सब उनकी बदौलत होती है। अपनों की दुआएं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में खुद से ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, अपने ही घर की चार दीवारी में बस हंसने की मोहलत होती है। अलादीन, तुम्हारे साथ इन सब की दुआएं, तुम जरूर कामयाब होगे दोस्त। चलता हूं। जिस इंसान ने आप इतनी सारी तकलीफें दी, उसके मुकाबले में ये तकलीफ कुछ भी नहीं। शुक्रिया। फराज भाई, तुमने मुझे भाई कहा? हाँ, और एक भाई मुहिम में अकेला छोड़कर नहीं जाता, साथ में चलता है। कहा था ना कि तुम हमेशा से अपने अब्बू की तरह नेक बनना चाहते हो, तो ठीक है, चलो हमारे साथ और मलिका को खत्म करने में हमारी मदद करो, और दिखा दो कि तुम जफर और जहर के भाई, छोटे भाई नहीं, फराज। मतलब मैं सच में तुम्हारे साथ तुम दोनों के साथ मैं सचमुच चलूं? हाँ, एक से भले दो, दो से भले तीन, क्या कहते हो बेटे? तुम बस 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 अब साथ चलना, पर थोड़ा दूर दूर है, दूर दूर। हाँ, यार ही जिंदा नहारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे। क्या मानेंगे? जीत कर ही मानेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा बोलना पड़ेगा। बोलो। यारे यारे, ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, कूद पड़े हैं जंग में, जीत कर ही मानेंगे। बीच में मत बोलो। बस क्या? अलादीन,
इस नक्शे के मुताबिक हमारी सबसे पहली मंजिल अल फरीका का झूमता जंगल होने वाली है। खंजर का पहला हिस्सा वहां मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, इस नक्शे में तो सिर्फ ये लिखा है कि उस रास्ते की शुरुआत तक कैसे पहुंचना है। बाकी का रास्ता समझना और तय करना वो हम पर है। ये तो बड़ा ही नक्शेबाज नक्शा है। ये दिल से चाहे जैसा भी हो, शक्ल से बिल्कुल सफर है। इसका चेहरा देखते ही दिल करता है कि हाँ, जुमला तो पूरा करो। मेरी शक्ल को देखकर तुम्हारा दिल करता है कि कुछ सुना क्या? अब इतनी जोर से सोचोगे तो सुनाई तो देगा। क्या हुआ गुड़ी साहब? फराज कुछ नहीं आका। यारी जिंदाबाद। जिंदाबाद। वैसे लाले, मैंने पढ़ा था ये जो झूमता जंगल है बड़ा खतरनाक है। इसने कब पढ़ा? ये तो 10 साल से कैद में था, इसने कब पढ़ लिया? यही सब पूछना चाहते हो ना? फिर सुनाई दिया। हाँ सुनो जिगर, बुरे से बुरे हालात में, खराब से खराब जगह पर अगर इंसान सोच ले कि उसे कुछ ना कुछ सीखना है, उसे कुछ ना कुछ करना है, तो वो कर ही ले और कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। क्या लेता है तरीका? बीच में मत बोलो। इसलिए वहां 10 साल तक मैंने अपने पेट को कम खुराक दी और दिमाग को ज्यादा। इसीलिए तो दिमाग से 40 का, शक्ल से 22 का और हुस्न से 20 का लगता हूँ। बस पहुंचने वाले हैं। लाले लाले, हम पहुंच गए लाले। अल फरीका का झूमता जंगल। झूमते जंगल तो हम पहुंच गए। काफी दिलचस्प जंगल लगता है। अब देखते हैं नक्शा में कहां ले जाता है। ये खुशबू कैसी? अंगूठी छाप कहाँ चला गया? मैं कालीन को बुला लेता हूँ।
हमें जल्द से जल्द खंजर के पहले हिस्से को ढूंढना होगा। दुश्मन घर में दाखिल हो चुका है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मल्लिका ने अम्मी को जिन बनाकर अपना पहला वार कर भी दिया, अब हमारी बारी है। आप हुक्म कीजिए सुल्ताना, करना क्या है? बताते हैं, बैठिए। गधे के बच्चे ने मेरी कमर तोड़ दी, पर जाने तो कम से कम कुछ पता तो चला। बेगम को बताऊंगा तो वो खुश हो जाएंगी। लगता है इस जंगल में जादू काम नहीं कर। वैसे ही रात होने को है अलादीन, आगे बढ़ते। तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। अंगूठी छाप, अंगूठी छाप। कहाँ चला गया ये अंगूठी छाप? जिन्नू यहाँ होता तो सारे फल खा जाता और कहता, बड़े जिंदगी फल दो, फल का साथ है और क्या है। और फराज को देखकर पता नहीं क्या करता। वैसे मुझे फराज से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो उसकी शक्ल से। और पता नहीं कैसे उसे सब पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। फल खा लेता हूं। बता क्या खबर लेकर आए हो? मल्लिका बेगम, दरअसल बात यह है कि सुल्ताना आपकी जासूसी करवाने वाली है। अच्छा, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कोई हमारी जासूसी करे। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम दोनों आपके दरवाजे पे पहरा देंगे। कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा। आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये आपके मुस्सू का आपसे वादा है। मुशु, घर घुसु, खाए खाए खुश। मल्लिका बेगम, वैसे तो हम किसी को आपके इर्द-गिर्द आने नहीं देंगे, पर अगर हमारे पास कोई औजार, कोई हथियार होता तो। छड़ी तुम्हारी है ये। इस छड़ी की मदद से तुम किसी भी इंसान या जिन को किसी भी चीज में तब्दील कर सकते हो और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम कर सकते हो। मसलन अगर तुम अपने शौहर को मेंढक में तब्दील करना चाहती हो तो इस छड़ी को हाथ में पकड़ो और कहो, बंदर को केला खिलाना है, मुसो को मेंढक बनाना। नहीं, 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 हम सब समझ गए। मैं भी समझ गया, बेगम तुम भी समझ गए ना? बोलो हाँ हाँ, तुम समझ गए। ठीक है मल्लिका बेगम, अब कोई भी परिंदा आपके इस गिर्द पर नहीं मार सकता। और इसके आगे जिन्नात का जादू भी बेअसर होगा। शाबाशी, सच। अंगूठी छाप। ऐसा क्यों लग रहा है ये आका मुझे बुला रहे हैं? मेरे इतने सारे हार, अब मैं खुद ही पंजा लड़ा सकता हूं। खुद से ही हाथ मिला सकता हूँ।
अंगूठी छाप, अंगूठी छाप। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो भी इस पेड़ के अंदर। तेरी, मेरी दस दस आका अंगूठी छाप। तुम क्या कह रहे हो? जंगल में जादू काम नहीं कर रहा, हमें हमें चल के ही पार करना होगा। आप तो चल लोगे, आपके इतने सारे पैर जो है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा अंगूठी छाप? रात होने वाली है, चलो। चुप हो गया, डर गया। ये अंगूठी छाप को क्या हो गया? ऐसे में खंजर का पहला हिस्सा कैसे ढूंढूंगा? उत्तरी बोले बिना पानी का कुआं, मेरे पैर हो गए धुआं। लगता है अंगूठी छाप ने कुछ गलत खा लिया है। हाँ, ये अम्मी ने दिया था। अम्मी तो सिर्फ मोहब्बत देती है आका। आका, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप भी खाओ। नहीं, आप भी खाओ। नहीं नहीं, नहीं आका खाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आका खाओ। नहीं, नहीं। मजा आया ना? जंगल अब समझ में आया, यहाँ के फल खाने से इंसान झूम पड़ता है। अल्लाह, अंगूठी के जिन और अलादीन ने ये फल ना खा लिए। चलकर आगाह करता हूँ, ना खतरा कुछ कम नहीं लग रहा। की तरह क्यों नाच रहे हो? मैं हूँ जंगली सांप, लेता हूँ हर खतरा पांव। डरता वही हूँ, ये दोनों ने नशा कर लिया। इतने सारे फराज हैं। फराज सभी फराज हैं यहाँ तो। आदाब। दोनों के लिए इलाज करना पड़ेगा। आदमी चिड़िया परिंदा फूल यही होना चाहिए। चिड़िया परिंदा, हमें लगा था खुला सांड। अच्छा सुन, वो देखो वहाँ सोने की चिड़िया। ठीक हो?
याल्ला, यहाँ भी क्या हो गया था? चूमते हुए जंगल में तुम कुछ चूम रहे थे, इसलिए कह रहा हूँ ये बेकार के कोई भी फल वल उठा के खाया मत करो, वरना ये हालत हो जाएगी। शुक्रिया फराज। अच्छा सुनो, यही फूल अलादीन के वहम को दूर करेगा, ठीक है? चल। आका कहाँ गए? लगता है बाहर चले गए। चलो। फिर देख रही हूँ इतने सारे मैं। तुम सबको कोई हक नहीं बनता कि तुम सब इतने खूबसूरत दिखो। इतना प्यारा कुत्ता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.